आप देख रहे हैं नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हम सुबह से जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जो है लगातार जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई है और दिल्ली जलमग्न हो गई है। बात करें दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल भरा जो है सड़कों पर जल भरा हुआ है। और यहाँ की अगर बात करें तो इस रोड पर जो है होटल भी हैं और दिल्ली मेट्रो का दफ्तर और साथ ही साथ सरकारी ऑफिस के साथ प्राइवेट ऑफिस जो है इस रोड पर है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि लोगों के घुटने घुटने तक जो है पानी पहुंच चुका है। और जिस तरीके से सिविक एजेंसियों की बात करें तो वो बड़े दावे करती है कि जो मानसून को लेकर उनकी पूरी तरीके से तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से जल जो बरसात का पानी जो है सड़कों पर भरा है तो कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों पर सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं, उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जी ट्वेंटी की बात करें तो G20 की बैठक भी होनी है और उससे पहले ये तस्वीर जो है काफ़ी चिंता करने वाली है, क्योंकि G20 की बैठक से पहले दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर की बात करें तो सौंदर्यकरण किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की ये तस्वीर देखकर जो है काफ़ी अब जो है लोगों को डर भी लगने लगा है कि इस पानी से गुजरकर वो जो है अपने ऑफिस जाना पड़ रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।